धनबाद के झरिया इष्ट भगत ब्रीद 9 नंबर बंद चानक में 20 जून की रात को झरिया के लोअर चौथाई कुली हरि मंदिर बावरी मोहल्ला के निवासी कृष्णानंदन साहनी बीसीसीएल के बंद खदान में गिरने की सूचना के बाद बीसीसीएल के रेस्क्यू टीम के काफी प्रयास के बाद भी युवक को खदान से नहीं निकाल पाई थी, जिसके बाद डीसी माधवी मिश्रा के आदेश के बाद आज एनडीआरएफ की टीम झरिया पहुंची। एनडीआरएफ की टीम पहुंच राहत कार्य में लग गई और युवक को खदान से निकालने के प्रयास में जुट गई है। घटना की सूचना के बाद झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह पहुंची और राहत बचाव का जायजा लिया। वहीं विधायक ने कहा कि 24 घंटा से अधिक समय बीता है और आज पटना से एनडीआरएफ की टीम पहुंची है, क्योंकि खदान की गहराई लगभग 106 मीटर है। बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम भी युवक को निकालने में लगी है। भेजो और दूसरे दिन एसडीआरएफ की टीम के लिए भी सीओ को बोला, लेकिन ये चूँकि थोड़ा मामला जटिल है, काफ़ी गहराई है, इसलिए हमें एनडीआरएफ को बुलाना पड़ा। कल एनडीआरएफ की परमिशन हुई मिनिस्ट्री से, उसके बाद आज जो है एनडीआरएफ की टीम जो है पटना और रांची के बाद यहाँ आई है। तो पूरी उम्मीद करते हैं कि उसकी जो मृत व्यक्ति है उसकी जो इलाज का निकाले, पूरी कोशिश करेगी एनडीआरएफ की टीम, क्योंकि लगभग जो चाणक है उसकी गहराई 106 मीटर से भी ज़्यादा है, जैसा कि रेस्क्यू टीम भी बीसीसीएल की यहाँ पर है, उन्होंने बताया है। तो इसको देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है ना। एनडीआरएफ की टीम पूरी कोशिश करेगी उसको निकालने की।